दोस्तों आज की कहानी है ननद जी। आप माजी को बोल देना अब मैं घर नहीं आऊंगी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। हेलो भाभी, क्या हो रहा है? कुछ नहीं दीदी जी, बस अभी नाश्ता करा रही थी दोनों बच्चों को। बताइए सुबह सुबह कैसे याद किया? अच्छा भाभी मुझे बताओ ना, दोनों बच्चों बिट्टू और सोने का नाप दे दो, दोनों के लिए यहाँ से सासा की शादी के लिए कपड़े खरीद दूंगी। बहुत सुंदर लगेंगे दोनों। दीदी जी बुरा ना माने तो एक बात बोलूं। बोलो दीदी, बिट्टू के पास तो जींस टी शर्ट है, वही पहन लेगा। आपने पिछली बार भी इतनी महंगी शेरवानी दी थी, वह पहनता नहीं है, ऐसे ही रखे रखे छोटी हो गई। और सोनी के पास भी सुंदर सी कई सारी फ्रॉक है, तो वह वही इतनी मुश्किल से पहनती है। लहंगा चोली मत लेना, आप बहुत महंगी ले लोगे, फिर वह भी रखी रहेगी। नहीं नहीं फिर भी मैं खरीद दूंगी, आखिर मेरे भतीजा भतीजी जो हैं, शादी में तो थोड़े सुंदर कपड़े पहनाओ। नहीं दीदी, दोनों बच्चों को गले तक बंद वाली शेरवानी और लिपटे हुए दुपट्टे में उलझन होती है। बच्चे अभी छोटे हैं, बड़े होंगे तो वह जो उनका मन करेगा वह पहन लेंगे। मगर आपने भेज दिया, और अगर अभी ना पहने तो मुझे बाद में कुछ मत कहिएगा। रेवा ने साफ साफ अपनी बात अपनी बड़ी नंद अंशु से कह दी, क्योंकि वह जानती थी कि जब भी अंशु कपड़े देती तो अपने पैसों का रोब दिखाती, और कहीं गलती से भी उनके दिए कपड़े बच्चों को या किसी और को पसंद नहीं आते तो बकेड़ा खड़ा कर देती थी। ऐसे सुगले सुगले कहकर बच्चों को सिढ़ाती कि तेरी मम्मी ने तुम दोनों को गंदे कपड़े पहना गंदा बना कर रखती है, फिर भी वह मानी नहीं और अपनी जिद पर अड़ी रही, ये कहते हुए कि जींस शर्ट तो बड़े लोग पहनते हैं और घर की आखिरी शादी है तो धूम धाम से समकते कपड़े पहनना बच्चों को आकर खुद ही पसंद कर लो। पर तुम पिछले कई बार से ससुराल आ नहीं रही, भाभी क्या बात हो गई? और अभी भी मेरे से इतने रुके पंची बात कर रही हो? रुकापन नहीं दीदी जी, बस मैं अपनी बात आपको साफ साफ बोल रही हूँ। अब इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, इसलिए मैंने आपको साफ साफ बोल दी। पर हाँ दीदी, शादी में केवल बच्चे ही जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगी।
और बच्चे एक या दो दिन ही रुकेंगे, तो दो दिन के लिए आप प्लीज इतने महंगे कपड़े मत खरीदिए। पर क्यों भाभी, आखिर तुम्हारे देवर की शादी है और भाभी का होना बहुत जरूरी है। क्या कहेंगे रिश्तेदारों से, कैसे उनको बोलेंगे कि भाभी नहीं आई? और क्यों नहीं आई दीदी? जी वैसे ही, जैसे मैं अपने रिश्तेदारों से कोई ना कोई बहाना बनाती हूँ मम्मी जी के ना आने का, क्योंकि वह कभी मेरे या मेरे बच्चों के किसी भी फंक्शन में आज तक शामिल नहीं हुई। मैं ससुराल में अपना परिवार मानकर हर फंक्शन में शामिल होती रही, ये जानते हुए भी कि ससुराल में शादी के 15 सालों में भी मेरी कभी कोई इज्जत रही ही नहीं। बावजूद इसके मैं हर बार बेइज्जत होती रही। उन्होंने कभी मेरे परिवार वालों को कोसा, कभी घूंघट का बोझ डाला, कभी किसी से बात करना दुभर और तो और अपने ही कमरे में 2 घड़ी सेन से कोई अपने ही बिस्तर पर आराम नहीं कर सकता। हर समय चौकीदारी मम्मी जी की कि मैं जमीन पर बैठी हूँ या सोफे पर, जैसे मैं घर की बहू नहीं नौकरानी हूँ, माना मैं दूसरे कुल की हूँ। मैंने आपके भाई के साथ प्रेम विवाह किया, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई गिरी पड़ी हूँ जो मुझे दबा कर रखा जाए। ये तो अच्छा है कि मैं पढ़ी लिखी इनसे दूर नौकरी करती हूँ, ससुराल में नहीं रहती, नहीं तो मेरी अच्छी खासी बेकृति होती। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, मम्मी का दिल बहुत साफ है, ऐसी नहीं है। अच्छा, अगर मन साफ है तो ये बताइए मम्मी जी, मेरी बेटी के होने पर सत्यनारायण कथा में क्यों नहीं आई? बेटे का 5वां जन्मदिन मनाया तब भी नहीं आई। मेरे सारे रिश्तेदारों को हर बार नया झूठ बताना पड़ा उनके बारे में। दीदी जी, हमने शादी बहुत साधारण तरीके से की थी, जिसका हम कुछ खुशी नहीं मना पाए। मेरे लिए तो हमारे दोनों बच्चों की ही सारी खुशियों में ही अपनी खुशियां हैं। पर मम्मी जी कभी हमारी खुशी में शरीक ही नहीं होती, उनको मेरे सुख दुख से कोई मतलब नहीं। ना तो मेरी माँ की 13वीं पर आई कि इंसान सुख में ना सही, मगर दुख में तो आ ही जाता है। मैं तब भी सुप रही दीदी जी, अपने ससुराल का हर सुख दुख मैंने अपनाया, पर इन्होंने कभी मेरा सुख दुख मेरा परिवार नहीं अपनाया, क्योंकि मैं दूसरे कुल की हूँ। अब तक गूंगी बनी हुई थी 15 सालों से और आगे भी बनी रहती। अगर मम्मी जी ने रामायण पाठ के हवन के समय मुझ
पर सुनरी किसी और के भाई से ना डलवा दी होती तो एक तो मेरे ही घर से पैसे मंगा, रिश्तेदारों में सारा कपड़े बांटे और लेने देने का काम निपटाया। और मेरे भाई मेरे परिवार को ही नहीं बुलाया, भाई को ना बुलाया पड़े उसके लिए घर के भाई से मुझ पर सुंदरी डलवा दी। दीदी जी आप बताइए, अगर आपके ससुराल में कोई फंक्शन हो जिसमें आपके मायके के लोगों को ना बुलाया जाए और आपके सगे भाई की जगह किसी भी गैर भाई से काम कराया जाए तो कैसा लगेगा आपको? दीदी जी निरुतर सी बस सुन रही थी। झूठा हंडस बंदाते बोली, मैं समझ सकती हूँ, माँ ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। सलो सोड़ो भाभी, अब भूल भी जाओ, घर की आखिरी शादी है। दीदी जी 15 सालों से भूले ही बैठी थी हर छोटी बात, कभी आपके भाई जी से भी नहीं कही क्योंकि वो तो अपनी मम्मी को देवी मानते हैं, मगर अब और नहीं भूल सकती। जब 15 सालों में मम्मी जी मुझे या मेरे परिवार को अपना नहीं सकी तो अब क्या अपनाएगी? तो बस अब से मेरा भी रिश्ता केवल आपके भाई से है। मेरे लिए मेरा परिवार हम स्यार ही है और कोई नहीं। बस अब अपनी बाकी की जिंदगी खुलकर जीऊंगी, ये मेरी जिंदगी को मैंने दूसरा मौका दिया है, जहां मैं अब और गूंगी बहू नहीं बनूंगी। मत आ, हम कोई सहता भी नहीं है तुझे, तेरी किसी को जरूरत भी नहीं है। लड़की हो तुम, ससुराल है तुम्हारा, जबान संभाल कर बात कर। तुझे मम्मी तो क्या, हमारे खानदान में तुझे कोई पसंद नहीं करता, कर ले जो कर सकती है। जब तक मेरे भाई को पता नहीं चलेगा तो कुछ नहीं कर सकती। सस बात अंचु दीदी सिड़ कर बोली ही दी, मालूम है मुझे, नमस्ते कह रेवा ने फोन रखने को हुई तो उसके हाथ से क्षितिज रेवा का पति ने फोन लिया। फोन स्पीकर पर था तो उसने सारी बातें सुन ली और बोला, एक मिनट दीदी, इसका मतलब आप लोग वाकई में रेवा को पसंद नहीं करते? और मम्मी मुझे जैसी तस्वीर रेवा की दिखाती रही, मैं हमेशा रेवा को गलत समझता रहा, माफ करना दीदी। पर जब मम्मी को मेरी बीवी बच्चे अच्छे नहीं लगते तो आज से मेरा भी कोई मतलब नहीं। नमस्ते दोस्तों, अक्सर बहुएं कितना कुछ सहती हैं पर जब पानी सर से ऊपर निकल जाए वहां कड़ी हिम्मत कर फैसला करना चाहिए। साई फिर शादी के कितने भी साल निकल गए हो और अपनी जिंदगी को दूसरा मौका देना चाहिए ताकि मम्मी
जैसे नकारात्मक और निशा दिखाने वाले लोग कभी जिंदगी में फिर से शामिल न हो सके। क्या रेवा ने सही किया, जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।